गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर सीन द डेरिवेशन ऑफ हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड फॉर द कंपोजिट फिगर्स, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फिगर्स के बारे में, कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करना है इसके रिगार्डिंग एक डेरिवेशन लर्न किया था। उसके साथ में कंपोजिट फिगर्स का, सॉरी कंपोजिट सॉलिड बॉडीज का, कंपोजिट सॉलिड बॉडीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने लर्न किया था। उसके साथ में डिफरेंट स्टेप्स, मतलब ऐसे टोटल देयर आर 7 स्टेप्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द सेंट्रॉइड फॉर द कंपोजिट फिगर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द सॉलिड बॉडीज। देखो, मैं जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ना, उस प्रोनाउंसिएशन को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट फिगर। जो कंपोजिट फिगर होती है उनके लिए सेंट्रॉइड होता है, और जो कंपोजिट सॉलिड बॉडी होती है उनके लिए होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेंट्रॉइड में हम क्या करते हैं, A1 X1 इस प्रकार से लिखते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो X बार होगा उसमें हम क्या लिखते हैं, V1 X1 इस प्रकार से उसको इंडिकेट करते हैं। ज़्यादा बेसिक डिफरेंस उसमें ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि हमको सेंट्रॉइड कब फॉर्म करना है, सॉरी सेंट्रॉइड कब फाइंड आउट करना है, और उसके साथ में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब फाइंड आउट करनी है। आज के लेक्चर में हम सेंट्रॉइड ऑफ सम बेसिक फिगर्स, मतलब बेसिक फिगर्स जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद रेक्टेंगल है, उसके बाद ट्राइंगल है, उसके बाद सर्कल है, हेमी सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल है, ऐसे बहुत सारे प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, उनका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, उनका सेंट्रॉइड की एक्स बार की वैल्यू क्या होगी या फिर वाई बार की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में जो भी चार्ट है ना, वो चार्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑलमोस्ट देयर आर 15 to 16 डायग्राम्स, 15 to 16 ऐसे प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है जिनका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन ये सारे के सारे फार्मूलेस आप लोगों को याद रखने हैं, ओके? इसमें मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, एक्स बार का और वाई बार का फार्मूला क्या होगा। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो सेंट्रॉइड हम किसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी डायग्राम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फॉर द गिवन फिगर फाइंड आउट द सेंट्रॉइड और फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द गिवन फिगर। जो भी डायग्राम दी गई है उस डायग्राम के अनुसार, उस डायग्राम के लिए हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना पड़ता है। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब सेंट्रॉइड की पोजिशन फाइंड आउट करना, इतना सिंपल है। सो एक्स बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है और वाई बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट लेक्चर। ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी डायग्राम का सेंट्रॉइड कहाँ कहाँ पे होगा, मतलब अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स है, उन प्लेन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है या फिर सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ पे होता है वो हम देखने वाले हैं। सो देखो, मैं आप लोगों को येल्लो पेन से इंडिकेट करता हूँ। सो देखो, ये फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ओके? सो नेम ऑफ द फिगर इज, अभी ये हर इसमें नहीं आएगा, तो जो फर्स्ट जो कॉलम है ना वो सीरियल नंबर का कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है वो नेम ऑफ द फिगर का है। आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में उसको लिखते चलो, ताकि आप लोगों को, मतलब अभी बुक्स वगैरह तो नहीं है, तो आप लोगों को ये डायग्राम्स और उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग वन बाय वन उसके ऊपर लिखते चलो। सो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का शेप दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए से लेके बी तक उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन निकाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जी, ये क्या है उसका, जी क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। अभी अगर आप ए टू बी, मतलब ए से लेके बी पॉइंट तक अगर टोटल डिस्टेंस देखते हो, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना है,
स्मॉल एल है, और मिडल तक कितना दिया है उन्होंने, एल बाय टू एल बाय टू। लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैश। अभी यहाँ पे लिखो सबसे लास्ट बट वन जो कॉलम है वहां पे क्या लिखा है, देखो एरिया के बाद में क्या लिखा है, पोजिशन ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की पोजिशन स्ट्रेट लाइन में, सेंट्रॉइड की पोजिशन कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे लिखा है देखो एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। जो भी लाइन है उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, पोजिशन ऑफ द सेंट्रॉइड इंडिकेट करेगा। अभी सेंट्रॉइड जी एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब इन शॉर्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार एंड वाई बार। सो एक्स बार की वैल्यू क्या है, एल बाई टू फ्रॉम पॉइंट ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड की पोजिशन आप कौन से एंड से इंडिकेट कर रहे हो। अभी ये स्ट्रेट लाइन है इसीलिए ए और बी बता रहा है, अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो लेफ्ट साइड राइट साइड अपर साइड लोअर साइड इस प्रकार से वो बताएगा, तो इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। सो स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसका जो सेंट्रॉइड है मतलब उसका जो एक्स बार की वैल्यू है, उसकी एक्स बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एल बाय टू। एल बाय टू का एल क्या है, एल इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट है वाई बार, वाई बार इक्वल टू क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ पे y बार का कंसर्न है ही नहीं है। देखो जो हॉरिजेंटल लाइन है ए टू बी इज कम्प्लीटली हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ पे y बार फाइंड आउट करने का कोई मतलब होता ही नहीं है। सो y बार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सो इस प्रकार से हमको हर डायग्राम का पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की पोजिशन कहाँ पे होती है और उसके साथ उस पर्टिकुलर फिगर के लिए x बार की वैल्यू क्या होगी और y बार की वैल्यू क्या होगी ये भी हमको पता होना चाहिए, राइट। सो स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी हम सेकंड डायग्राम देखेंगे। सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम का नाम क्या लिखा हुआ है, दैट इज रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल के लिए ये उसका डायग्राम है, ओके। सो जस्ट वन मिनट, लेजर पॉइंटर से ही दिखाता हूँ क्योंकि वो लिखने के बाद वो थोड़ा सा डायग्राम में खराबी, डायग्राम थोड़ा सा खराब खराब दिख रहा है, तो इसीलिए मैं ये लेजर पॉइंटर से ही आप लोगों को इंडिकेट करूंगा, ओके। देखो सेकंड फिगर का नाम क्या है, रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल कैसे निकाला है, ये उसकी जो सबसे बड़ी एज है उसको दिया है उन्होंने नाम स्मॉल बी, और जो नीचे वाली एज है मतलब वो जो वर्टिकल एज है उसको दिया है उन्होंने डी। देखो कोई भी प्लेन फिगर आने के बाद तुरंत हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, यहाँ पे लिखा है देखो वाई एक्सिस, और दूसरा एक्स एक्सिस निकाल के रखेंगे। क्यों निकाल के रखना है, बिकॉज हमको यहाँ पे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स बार की और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लिखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज बी इनटू डी, राइट। यहाँ पे लेंथ हमने एल कंसीडर नहीं की, यहाँ पे लेंथ हमने क्या कंसीडर की, स्मॉल बी कंसीडर की है, तो इसीलिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज बी इनटू डी, राइट। तो यहाँ पे देखो पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब जहां पे डायगोनल्स कट हो जाएंगे, डायगोनल्स ये डॉट डॉट लाइन से देखो डायगोनल्स बता रहे हैं, जो भी रेक्टेंगल है ना उस रेक्टेंगल के डायगोनल इस प्रकार से बताए जा रहे हैं, देखो दिख रहा है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायगोनल्स कहां पे कट हो रहे, इस पॉइंट के ऊपर, सो इसीलिए यहां पे लिखा है देखो कैपिटल जी, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड। सो ये जो सेंट्रॉइड की पोजिशन होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे एक्स बार। x बार का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड फ्रॉम द y एक्सिस, ओके। x बार का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड फ्रॉम द y एक्सिस। सो y एक्सिस से ये अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो इट इज एग्जैक्टली हाफ है, ये टोटल कितना है, b है। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का पोजिशन का आपका क्या होता है, x बार की पोजिशन क्या होती है, l बाय टू, तो यहाँ पे पोजिशन क्या होगी, b बाय टू। So, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है देखो x बार इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2, क्लियर।
सेकंड पोजीशन वाई बार, वाई बार के, वाई बार का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वाई बार का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रोइड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे है हमारा एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन क्या इंडिकेट करती है, एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से ये जी का डिस्टेंस, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्मॉल डी है, ये एग्जैक्टली मिडल के ऊपर आ रहा है, तो अगर डी बाई टू करता हूँ तो मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए y बार इक्वल टू क्या लिखा है, d डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों बेसिक फिगर्स हैं, इन दोनों बेसिक फिगर्स के ऊपर बाकी सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। तो इसीलिए ये दोनों, देखो ये फार्मूला तो आप लोगों को भूलना नहीं है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आप लोगों को ये चीज के बारे में पता होना जरूरी है, मतलब फार्मूले तुरंत याद रहना चाहिए कि रेक्टेंगल के लिए कैसे निकालना है, एक्स बार वाई बार कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे निकालना है, सर्कल के लिए कैसे निकालना है। ओके, तो ये बातें तुरंत आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम है स्क्वेयर। रेक्टेंगल और स्क्वेयर में सब लोगों को डिफरेंस समझ में आता है, रेक्टेंगल में क्या होती है, एक एज छोटी होती है और दूसरी एज बड़ी होती है, लेकिन स्क्वेयर में क्या होता है, चारों के चारों साइड्स कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये भी स्मॉल ए से इंडिकेट किया है और ये भी स्मॉल ए से ही इंडिकेट किया हुआ है, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और इसका जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया सब लोगों को पता होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड हम एक्स से इंडिकेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई से अगर इंडिकेट करेंगे तो वाई स्क्वायर, ए से अगर इंडिकेट करेंगे तो ए स्क्वायर। और इसकी भी सेंट्रोइड की पोजीशन क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल्स। सो यहाँ पे भी अगर हम उसके जो डायगोनल्स है, यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किए हुए, इस डॉटेड लाइन्स, ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल इस प्रकार से निकाला है। ओके, सो ये दोनों डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे, देखो। ओके, सो दैट इज, अगर आप यहां पे भी देखते हो तो एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जी का डिस्टेंस एग्जैक्टली मिडल के ऊपर है, ये टोटल कितना है, ए है, तो मिडल का डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा, वो a by 2 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो x bar equal to a divided by 2, x bar equal to a divided by 2, और अगर y bar क्या होता है, y bar is equals to the distance of the centroid from the x axis, so distance of the centroid from the x axis, so x axis से g की डिस्टेंस टोटल कितना है, a है, मिडल तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a divided by 2, so इसीलिए y bar equal to a divided by 2, जिस प्रकार रेक्टेंगल था ना, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। ओके, सो x bar equal to कितना आएगा, a divided by 2, और y bar equal to कितना आएगा, a divided by 2, मतलब यहाँ पे दोनों की सेंट्रोइड की पोजीशन, सॉरी x bar और y bar दोनों की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, a divided by 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चारों साइड्स, चार साइड्स ऑफ द स्क्वायर होते हैं वो चारों के चारों क्या है, इक्वल है। सो इसीलिए x बार और y बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, सेम ही आ चुकी है। तो अभी ये फोर्थ नंबर का फिगर देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उसको पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद देखेंगे उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी सेंट्रोइड की। ट्राइंगल विद द डिफरेंट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। सो अगर आप फर्स्ट ट्राइंगल देखते हो तो ये ट्राइंगल का एज देखो 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे है 90 डिग्री, इस प्रकार से है वो ट्राइंगल ऐसे है। और जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल का हाइट देखो, हाइट यहाँ पे है, मतलब इस साइड से उसका बेस दिया हुआ है, उस साइड से ऐसे, इस साइड से हाइट दी हुई है और उसका जो बेस है वो इस प्रकार से है। तो ये ट्राइंगल इस प्रकार का है। दोनों ट्राइंगल में अच्छी तरीके से पहले समझ लो, जो फोर्थ नंबर वाला ट्राइंगल है ना वो इस प्रकार का ट्राइंगल है, इट शुड बी लाइक दिस। और ये जो बी डायग्राम है ना, ये बी डायग्राम में जो ट्राइंगल है वो इस प्रकार से,
दोनों ही इसमें आप लोगों को सब पोजीशन समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से प्रकार का ट्राइंगल है, बिकॉज उसकी अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन उसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है ना, वो सेंट्रोइड पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, राइट? सो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशंस डायग्राम में क्यों दिया हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये देखो ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस इंडिकेट करता है। जस्ट 1 मिनट। सो ये देखो ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, दीज आर द मिडल लाइंस। देखो ये पॉइंट से लेके या इसके मिडल तक एक लाइन है, इस पॉइंट से लेके इसके मिडल तक एक लाइन है इस लाइन के, और दूसरा ये पॉइंट से लेके इसके मिडल तक एक पॉइंट है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, इन डॉटेड लाइंस को बोलते हैं मीडियंस, क्योंकि वो मिडल पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये तीन मीडियंस जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं वहां पे होगी सेंट्रोइड की पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल जी। ओके, तो इस प्रकार से आपको उसको याद रखना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो उसके जो पैरामीटर्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं ना, देखो जैसे कि इसका जो बेस है, तो बेस का टोटल लेंथ उन्होंने स्मॉल बी से इंडिकेट किया है, और उसकी जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट कैसे इंडिकेट की है, उन्होंने एच से इंडिकेट की है। और जैसे हम सब लोगों को पता है कि एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द बी मल्टीप्लाइड बाय द एच। सो दोनों के लिए एरिया सेम ही होगा, राइट? एरिया की पोजीशन चेंज होगी, और दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो सेंट्रॉइड इन द बोथ केसेस, पहले वाले केस में ए नंबर इस नंबर के केस में और इस नंबर के केस में, दोनों केसेस में पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कैपिटल जी यहाँ पे है, मीडियंस को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहां पे है, और यहाँ पे भी देखो जहाँ पे मीडियंस को इंटरसेक्ट किया है वहीं पे है वो पॉइंट, राइट? तो सेंट्रोइड की पोजीशन और एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन उसका एक्स बार एंड वाई बार चेंज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले डायग्राम में मतलब अगर डायग्राम आपका ट्राइंगल इस प्रकार से है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बी। तो अभी ये वैल्यू कैसे आती है, इससे आप लोगों को मतलब उतना आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सो अगर आप हर डायग्राम का ये पूछोगे कि एक्स बार और वाई बार कैसे निकालनी, ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स है। सो इन स्टैंडर्ड डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने ये फार्मूले बना के रखे। आप ऐसा मत सोचो कि सर ये वैल्यू कैसे आई है तो ये एग्जाम में पूछेगा, कि आपको ये एग्जाम में ये नहीं पूछने वाले कि एक्स बार और वाई बार ट्राइंगल के लिए कैसा आ चुका है। सो अगर आप डेरिवेशन से सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बी, और वाई बार की वैल्यू क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एच। अगर इस प्रकार का ट्राइंगल लेता हूं, ऐसा अगर ट्राइंगल लेता हूं, और अगर ऐसा ट्राइंगल है तो यहां पे देखो एक्स बार की पोजीशन, देखो एक्स बार की पोजीशन क्या है, 2/3 बी, 2/3 बी, ये यहां पे लिखा हुआ है। देखो ये हर डायग्राम में लिखा हुआ है, वाई बार और जी एक्स बार की वैल्यू हर डायग्राम में दिया हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इन्होंने तो पहले निकाल के नहीं रखा है, अभी इनको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये डिस्टेंस, एक्स बार क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द जी पॉइंट टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जी पॉइंट का डिस्टेंस हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, और वाई बार से क्या इंडिकेट करते हैं, जी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस। सो इसीलिए यहाँ पे एरो देख के लिखा है, देखो वाई बार इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एच। सो इस प्रकार से आप लोगों को उसको याद रखना है। और अगर ट्राइंगल चेंज होता है तो यहाँ पे देखो मतलब ये जो वर्टिकल एज थी वो लेफ्ट की तरफ थी, अभी वो वर्टिकल एज कहाँ पे आ गई, राइट की तरफ आ गई, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोइड की पोजीशन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस के ऊपर ही होगा, और यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या है, देखो एक्स बार इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई बी फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से हो गया यहां से, एपेक्स पॉइंट से, राइट? और यहाँ पे वाई बार की पोजिशन देखो, वाई बार की पोजिशन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन सिर्फ एक्स बार की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, राइट? फ्रॉम द बेस ऑफ द एक्स एक्सिस।
by 3 multiplied by h, right? So इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल्स के लिए आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं. नेक्स्ट डायग्राम देखो, आइसोस्केलिस ट्रायंगल. आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर बीइंग इक्वल, राइट. तो ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल इस प्रकार से निकाला हुआ है. देखो राइट, आइसोस्केलिस का मतलब क्या होता है, इसमें दो जो साइड्स है इसके, इसके दो साइड्स यहां पे लिखा हुआ है. देखो ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये जो साइड है ना, दिस साइड ए टू बी एंड बी टू सी, दीज आर इक्वल, बट ए टू सी इक्वल नहीं है. ए टू सी की लेंथ यहां पे चेंज है. अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि हमारी नेक्स्ट पोजीशन है. यहां पे देखो तीन साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल. यहां पे भी देखो उसका जो एरिया है वो एरिया कैसे निकालेंगे, 1 by 2 bh. यहां पे भी देखो एरिया कैसे निकालेंगे, 1 by 2 bh. सो किसी भी ट्रायंगल का अगर आप जब एरिया फाइंड आउट करोगे ना, तो वो क्या होगा, 1 by 2 base into height ही होगा, वो चेंज नहीं होगा. और जो सेंट्रोइड की पोजीशन है, वो सेंट्रोइड की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी. सेंट्रोइड की पोजीशन हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियंस. यहां पे भी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस के ऊपर ही ट्रायंगल की, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो पॉइंट ऑफ हमेशा कहां पे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ही होता है. ओनली द चेंजेस इज दैट उसकी x बार और y बार की वैल्यू चेंज हो जाती है, x बार और y बार की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो यहां पे भी देखो, यहां पे ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उन्होंने, स्मॉल b दिया हुआ है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, कैपिटल सॉरी स्मॉल h दिया हुआ है, मतलब बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. सो यहां पे x बार की वैल्यू देखो, x बार, यहां पे भी मीडियंस देखो, ये डॉटेड लाइंस जो है ना, ये डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट करते हैं, उसके मीडियंस इंडिकेट करते हैं. मीडियंस मतलब मिडल लाइंस. सो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है. सो इसीलिए लिखा है जी. सो जी का एक्स बार देखो, एक्स बार कहां पे लिखा है उन्होंने, एक्स बार यहां पे लिखा है देखो. सो एक्स बार मतलब वाई एक्सिस से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी बाई टू. सो इसीलिए एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा, बी बाई टू आएगा. और वाई बार देखो, वाई बार इक्वल टू कहां पे, यहां पे लिखा है वाई बार, एक्स एक्सिस से g का डिस्टेंस, कैपिटल g का डिस्टेंस वो कितना है, 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय h. सो इट बिकम्स 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय h, राइट. नाउ लास्ट ट्रायंगल इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. इफ यू सी द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे भी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी मीडियंस देखो, ये डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट करते, मीडियंस इंडिकेट करते. तो इफ यू सी दिस, सो यहां पे भी सेम ही आएगा. देखो x बार इक्वल टू b बाय 2 एंड y बार इक्वल टू 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय h. सो आइसोस्केलिस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए x बार y बार की वैल्यू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने ट्रायंगल की पोजीशन को चेंज नहीं किया है, उसके साइड्स को चेंज किया है. अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो आपको x बार और y बार की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट मिलेगी. सो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट डायग्राम है सर्कल, राइट. यहां पे भी देखो, जब जो हमने सर्कल निकाला है, उस सर्कल को पहले हमने क्या किया है, एक y एक्सिस निकाला है और दूसरा x एक्सिस निकाला है. और सर्कल का एरिया तो सबको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है. और इसका जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड कहां पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल का जो सेंटर होगा वहीं पे उसका सेंट्रोइड होगा. तो इसीलिए अगर आप देखते हो कि सेंटर के सर्कल से अब किसी भी पॉइंट की तरफ मूव होते हैं, तो वो क्या होता है, उसका रेडियस ही होता है, राइट. तो इसीलिए यहां पे x बार इक्वल टू रेडियस और y बार भी इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस आएगा. सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे. अगर आपको एग्जामिनर पूछता है ओरल में भी या कहीं पे भी, अगर आपको कोई भी पूछता है कि सर्कल का सेंट्रोइड कहां पे होगा, तो सेंटर के ऊपर होगा. और सर्कल अगर 30 mm रेडियस का है तो x बार और y बार की वैल्यू कितनी आएगी, 30 mm ही आएगी, क्योंकि सर्कल के लिए x बार और y बार की वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, उसका रेडियस ही इंडिकेट करता है. नेक्स्ट है सेमी सर्कल विद द डिफरेंट पोजीशन.
सेमी सर्कल विद द डिफरेंट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे भी देखो, जो पहला वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल मैं यहाँ पे निकालता हूँ। सो फर्स्ट सर्कल ऐसा है, और जो दूसरा मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इस प्रकार से, ये सेमी सर्कल इस प्रकार से, दोनों की पोजिशन चेंज हो चुकी है। दिख रहा है दोनों की पोजिशन चेंज हो चुकी है, तो इसके रिगार्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। यहाँ पे अगर देखते हो तो उसका एरिया देखो 1/2 πr², यहाँ पे भी देखो 1/2 πr² चेंज नहीं है। सो अगर आप देखते हो, अगर फर्स्ट पोजिशन देखो, अभी फर्स्ट पोजिशन की रिगार्डिंग बात करेंगे, सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम द बेस। सो बेस से लेके, मतलब ये जो बेस है ना, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक डिस्टेंस यहाँ पे है g, और ये कितना डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, हमारा y बार इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मुझे एग्जैक्ट मैं बोल नहीं पाता हूँ, मतलब एग्जैक्टली सेमी सर्कल में मैं ये बात नहीं बता सकता हूँ कि सेंट्रॉइड एट द मिडल है, सेंट्रॉइड एट द मीडियन है, लेकिन मुझे डिस्टेंस पता है 4r/3π फ्रॉम द बेस। मतलब अगर मैं बेस से 4r/3π अगर मेजर करता हूं तो मुझे कैपिटल जी मिल जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रोइड की पोजीशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो 4r/3π फ्रॉम द बेस। सो दोनों सेमी सर्कल के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेंट्रोइड का पॉइंट कहाँ पे है। तो सेंट्रोइड का पॉइंट कहाँ पे है, एट द डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम द बेस। और यहाँ पे देखो x बार और y बार की वैल्यू भी देखो, तो x बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस में x बार की वैल्यू क्या है, फर्स्ट केस में x बार इक्वल टू r, x बार मतलब रेडियस है। देखो x बार कहाँ पे, x बार का मतलब क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस। सो अगर आप y एक्सिस से टोटल देखते हो तो टोटल क्या है, डायमीटर है, और ये g पॉइंट कहाँ पे, मिडल पे है। तो डायमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो x बार इक्वल टू r, क्लियर। और यहाँ पे y बार इक्वल टू क्या होगा, 4r/3π। सो यही वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि पहले सर्कल, पहले सेमी सर्कल इस प्रकार से था, अभी उसको मैंने थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये तो डायमीटर होगा, देखो ये सेंटर है। सो अगर मैं ये सेंटर से अगर ऐसा सर्कल निकालूंगा तो ये तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो y बार इक्वल टू r आएगा, पहले x बार इक्वल टू r क्यों आया, क्योंकि ये हॉरिजेंटल था, अभी ये बन चुका है वर्टिकल। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है डायमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, एग्जैक्टली मिडल पॉइंट के ऊपर है, एग्जैक्टली मिडल पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड करता हूँ, सिंपल ये बात आपको भी पता है, अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे सर्कल की रेडियस मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार इस वर्टिकल पॉइंट के लिए, इस वर्टिकल सेमी सर्कल के लिए, इस वर्टिकल सेमी सर्कल के लिए y बार इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा, और x बार इक्वल टू क्या आएगा, 4r/3π, x बार इक्वल टू क्या आएगा, 4r/3π। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू तो सेम ही है r, और दूसरा है 4r/3π, लेकिन क्या है, x बार और y बार की पोजीशन यहाँ पे क्या कर, क्या की है, उन्होंने चेंज की है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज याद रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ओके। सो इस प्रकार से आप लोगों को ये दो डायग्राम्स याद रखो आप लोग, ओके।